बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ओके टू क्लास, टेक योर सिलेबस फाइल, ओपन योर पेज नंबर 3। आज हम इस्लामिया के क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे सिलेबस ऑफ मई के। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी किस में है? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने में दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलती है। ओके किड्स, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने में, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, अगर उस तरीके से तमाम मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो दुनिया में भी उन्हें कामयाबी मिलती है और आखिरत में भी उन्हें कामयाबी मिलेगी। सवाल नंबर 7, तमाम अंबिया का बाप कौन है? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तमाम अंबिया का बाप कौन है, यानी कि तमाम अंबिया का, तमाम इंसानों का बाप कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। सवाल नंबर 8, सबसे लंबी उम्र किस नबी की थी और कितनी थी? जवाब, सबसे लंबी उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी और 1000 साल थी। सबसे लंबी उम्र किनकी थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। और ये कितने साल ज़िंदा रहे? 1000 साल ज़िंदा रहे। ओके किड्स, आपने इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।